बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी के विधान पार्षद और आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से अपने धर्म पत्नी को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाने को लेकर दावा ठोक दिया है। डॉक्टर पूर्वे अपने विधान परिषद की राशि से परिहार विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ विकास योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं ताकि वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने सीतामढ़ी के परिहार में तकरीबन 3 करोड़ की राशि से निर्माण होने वाले विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे का घर सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में है जो परिहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहीं से चुनाव जीतकर डॉक्टर पूर्वे आरजेडी के शासनकाल में कैबिनेट में विभिन्न मंत्री पद पर बने रहे। पिछले 2 दफा से पूर्वे आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव हारते आ रहे हैं, फिर उन्हें लालू के विश्वास पात्र होने के कारण विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। शुरू में तो मैं टीचर्स थी तो खुल के पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती थी किसी पार्टी के साथ, लेकिन रैली में लोग जाते थे या विद्यार्थी लोग जाते थे एजुकेशनल टूर में, उन लोगों के साथ बातचीत करने, उन लोगों का स्वागत करने में मेरा पूरा समय बीतता था। और अब जब मैं रिटायर कर गई हूँ तो मैं खुल के पॉलिटिक्स में आई हूँ। और पार्टी आपको समर्थन करेगी? हाँ, मुझे हाँ, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अनुरोध पर ही मैं यहाँ की उम्मीदवार बन रही हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा और यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग इस 2 बार जो हार हुई है राजद की, उस हार को जीत बदलना चाहते हैं और इसीलिए उन लोगों में काफी उत्साह है, काफी जोश है और वे चाहते हैं कि इसी ढंग से हम जीत हासिल करें, इस बार राजद की जीत होगी। डॉक्टर रंजना पूर्वे, आप हमारे साथ शुरू से राजनीतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जुटी रही हैं, इनका एक अलग से यहाँ पर जो दलित बिरादरी के, खास करके मुसल बिरादरी के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए इनका कार्यक्रम चला है, तो इन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। चूंकि 2 बार हमारी हार हुई तो उस हार को जीत में परिणत करने के लिए हमारी प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है और हमको उम्मीद है, चूँकि जो उत्साह इनके प्रति लोगों ने प्रकट किया है आप लोगों के समक्ष, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का टिकट इनको मिलेगा और मतलब कि इनकी जीत होगी और इसका प्रभाव सीतामढ़ी, मधुबनी और पटना, मुजफ्फरपुर और शिवहर में निश्चित रूप से मिलेगा।